हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मांटू अभी आई है अपना एग्ज़ाम देके और अभी हम यहाँ पर रेडी हो रहे हैं क्योंकि हमको निकलना है आज। अभी जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ और बैग भी मैंने लगा लिया है, बस अभी निकलना बाकी है। मांटू का आज एग्ज़ाम था तो इसी वजह से अब मांटू के भी रह गए हैं, दो एग्ज़ाम और रह गए हैं अभी, उनका भी करेंगे। पेपर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के एग्ज़ाम है, तो वो भी होगा। फ़िलहाल इस टाइम पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है तो वो, और मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये वाली कुर्ती डाल ली अपनी और ये वाले जूते डाल लिए हैं। पूरा का पूरा मैचिंग मैचिंग हो गया पूरा का पूरा मैच हो गया ऊपर से। अभी नहाने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी आनी बाकी है बस। मुझे अपनी दवाई भी लेनी है तो हम मवाने से निकल के ही जाएंगे क्योंकि मुझे अपनी दवाई लेनी है। तो ये ना मैंने मांटू का टॉप मंगवाया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉप लगा मुझे, बहुत ही। मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं फिर। और बस अभी रेडी हो गए हैं और अभी पी रही हूँ मैं यहाँ पे चाय, थोड़ा सा गला तो खुल जाए क्योंकि मेरा गला बिल्कुल वो हो रहा है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय पी के तभी घर से निकलते हैं। चलो जी चलते हैं अभी बस रास्ते में दवाई वो लेने में और बस फिर सीधा घर निकल जाएंगे। मैं क्या बता रहा, इस आदमी को मन है बस एक बार देखा रोता होगा। हाँ ये समझ जाएगा। अपने नाव में जाकर कुत्ते लाने के बाद पानी लगा रखा, सिर दो हाँ अब तो पका पड़ा है। आज भी सर्वर अच्छे से मम्मी से सिर की मालिश करवा के ना तुम तो ठंडी बैठे हो, कैसी बात कर रहे हो? तुम दीवा नहीं रहे मुझे, अब मुझे मुझे ऐसा लग रहा है दो और है। तो अभी जो है हमने दवाई लेनी थी, दवाई वाई सब ले ली है और मुझे मांटू के एक दो टॉप देखने थे सर्दी के हिसाब से, तो मैं वही सर्च कर रही थी कि कहीं मिल जाए, तो हमने अभी वही देखे हैं। टॉप थे नहीं हम के सारे ऐसे ही होते तो बदल चाहिए जरूर। अरे सब अब इसके कपड़े नहीं।
तो अभी जो है मम्मी यहाँ पे प्रसाद है कुछ वो निकाल रही है, और भैया भाभी घूमने के लिए गए थे, कहाँ गए थे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि आप जाओगे तो वीडियो बना के लाना। दोनों घूमने के लिए गए थे और दो तीन जगह गए थे ये, हमने जहाँ सोचा था ये वहाँ से भी अलग निकल गए। तो यहाँ पर प्रसाद जो लेके आए हैं भाभी और भैया वो ही मम्मी निकाल रही है, क्योंकि प्रसाद जो है वो अपने घर परिवार में बांट देंगे, क्योंकि प्रसाद जो है वो बांटना चाहिए। और ये कुछ चीज़ें भी वहाँ से लाए थे, कड़े वड़े हैं और छल्ले हैं और सिंदूर है, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें भी लेकर के आए थे। तो मम्मी वही सब चीज़ें जो है वो निकाल के देख रही थी कि सारी चीज़ें, सिंदूर की डिब्बी भी हैं और प्रसाद भी जो है वो बांट देंगे और छल्ले भी हैं। माले पास आ जाओ बुआ, हैं? बुआ को बुला लो। हाँ बुआ, बुआ बुला रही है बुआ को। बुआ तबीयत खराब है, यहीं आ जा। हाँ, हम 10 दिन में ठीक कर देंगे तुझे, 5-7 दिन में ही, हैं? हंस ले। रात तो बोलना भी नहीं था, तबीयत पे भी जोर पड़ रहा था। ऐसा बोल रही थी बिल्कुल। तो अभी मम्मी यहाँ पे राशन जो होता है ना वो डाल के रख रही है, जैसे कि चावल गुड़ शक्कर जो भी मम्मी ने लिए हुए हैं वही। और आज ही जैसे कि मुझे आना था तो इन लोगों ने भी वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी कि वो आएगी, तो आज वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये चने का, और इसमें चने मिला दिए हैं, और ये नाज है, तो ये मिस्सा चून जो बोलते हैं जिसको मिस्सी रोटी बोलते हैं उसके लिए मम्मी यहाँ पे तैयार कर रही है। इसमें चने मिला दिए हैं, अब इसका जो है वो आटा पिसवा लेंगे। पहले मम्मी इनको धो देगी अच्छे से, सूख जाएंगे जब ये, फिर इनका आटा बन जाएगा, तो इनकी जो है मिस्सी रोटी बनती है जो कि सुबह के टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मम्मी ने यहाँ पे जो सारे गेहूं और चने का जो वो था वो धो के सुखा दिया है, और अभी जो है मम्मी यहाँ पे कर रही है बछिया को न्यार, और उसको तसले में रख देती है, और गाय को जो है वो अंदर कर देती है। तो यहाँ पे अभी मम्मी ने जो गुड़ शक्कर लिए थे उनको भी डब्बे में डाल के रख देंगे, और अभी नई गुड़ शक्कर आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने पीने में। तो मैं भी यहाँ पे नहा चुकी हूँ और मैंने अपना हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने वहीं से बोले था मम्मी गर्म पानी लगा के रखी, मैं आके नहाऊँगी और बाल भी धुलूँगी, तो बाल मेरे बहुत बुरी तरीके से इलझ रहे थे बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे भाभी लगी थी मेरे बाल सुलझाने में, और बहुत देर लगी, क्योंकि जब आप एक ही दिन ना कंघी करो तो उसमें ही लग जाते हैं, और मुझे तो कम से कम हो गया था हफ्ता भर के करीब, क्योंकि वीडियो आप लोगों को बहुत लेट लेट मिलती है, मेरी हफ्ते भर से तबीयत ख़राब थी, तो इसी वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई। और अभी जो है मम्मी ने लोशन दिया है, कह रही इन पे हाथों पे लगा ले, तेरे हाथ वात बहुत ही ज़्यादा बुरे, क्योंकि कुछ भी केयर नहीं हो पा रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने गोपाल जी का भी नहीं कर पाई, 6-7 साल मुझे गोपाल जी को लाए हुए हो गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अपने गोपाल जी की भी सेवा नहीं कर पाई थी। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि कितनी ज़्यादा इस टाइम पे मेरी हालत डाउन हुई होगी, घर आके भूल जाते हैं सब। तो अभी हम आ गए हैं अपने घर, और आके फिर मैं नहाई, सर धुला मैंने, और तेल लगाया धुलने के बाद भी, पहले नहीं बाद में लगाया, एक बार कल या परसों में फिर से सर जो है वो धो जाएगा, बहुत ही रिलैक्स सा वो हुआ। तबीयत तो अभी ऐसी है, आवाज़ में फिर ऐसे होता जा रहा है। और यहाँ पे गुन्नू और मंटू बैठे हैं, और मैं बहुत सारे कपड़े मेरे गंदे हो रहे थे तो सारे कपड़े मैं रख के लेके आई थी कि यहीं पे धुल जाएंगे, क्योंकि कई दिन हो गए हैं कपड़े उपड़े वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो सारे कपड़े जो है मैं यहीं पे ले आई हूँ। और अभी लगेगी मशीन,
बहुत सर में भी। आज मैंने कम से कम 8 दिन का अपना जो है बाल मेरे भाई गए हैं, और वो भी मैंने खुद से नहीं, कविता ने ही सुलझाए। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा बाल सुलझाने में लगा है। मंटू पीछे से टोपा नीचे को कर, मंटू पे तो संभाल ही ना रही यार, मंटू पे संभाल ही नहीं रही मकाया। और आगे भी देखिए कैसी हो गई है, आंखों पे भी बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग आ रही है। रुक जा मंटू, रुक जा बेटा, कोई बात नहीं। हाँ इन्ने तो दूध गेर दिया। हाँ पटा 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 सही गेरा। मन तो पीछा हाथ लगा, ऐसे क्यों पीछा हाथ लगा, ठंड हो रही। हाँ वो हो गया, मैं जैकेट पहनूं। मंटू जुराब गिर गिला लीजिए। अभी जो है यहाँ पे गंदे कपड़े थे हमारे सारे, वो मैं यहीं पे लेके आई थी क्योंकि पहनने के लिए भी तो चाहिए ना, तो सारे कपड़े मैं यहीं पे ले आई थी। मंटू का बैग में मंटू की यूनिफॉर्म डाल दी थी, तो ये सारे कपड़े में मम्मी को मशीन लगानी है, तो मैं सारे कपड़े निकाल के मम्मी को दे रही हूँ। मशीन लग जाएगी तो सारे धुल जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम ताज़ा पानी और लाइट आती है, कुछ टाइम के लिए बीच में लाइट चली जाती है। तो बस यहाँ पे मम्मी ने मशीन रख ली है बाहर। आप लोग भी खा लीजिए, आज हमारे यहाँ पे बना है स्पेशल मूंग दाल, काली जो मूंग दाल है उसकी खिचड़ी, और बहुत टेस्टी लगती है सच में, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। क्या ठंड में परेशान कर, अब डायपर पराओगे रात को? तो यही सही है क्या, रात को इतनी पजामे कहाँ, फिर ठंड में भी तो परेशान हो गए कल ही। तुमने नहीं जोड़ रखे थे क्या, लाओगी मारे भी तो के, और मैं तो कुछ तो मैं कुछ तो मैं छोड़ ढप 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 कले जा लाऊं, ढप 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 कल लाऊं मैं जब छे, हाँ छुन्नू ने छे पापा को, ऊपर ठंड नहीं लगती होगी, गेट बंद कर लेते हो गया है। तो अभी जो है मैं खाना पीना हमारा हो गया है, और 6:30 बजे हमने खाना पीना खा लिया था। आज ना वो मूंग जो काली वाली दाल की खिचड़ी होती है बहुत टाइम बाद मैंने खाई है, तो वही बनी थी। तो 6:30 बजे हमने खा लिया था, यहाँ पे बहुत जल्दी शाम का खाना पीना हो जाता है। तो अभी मुझे अपनी दवाई लेनी है, और मम्मी जो है वो कपड़े धुल रही है, रात को ही बहुत सारे कपड़े मेरे थे, मेरे और मंटू के और गुन्नू के भी हो ही जाते हैं, सर्दियों में कई बार कपड़े चेंज होते हैं, दूध दूध डाल देती है। तो और मैं भी अभी गर्म पानी लूँगी थोड़ा सा, और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि जो नहर है ना बिल्कुल उसके पास में हमारा गांव है, तो बहुत ठंड होती है, और सब जगहों से ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। मैंने कहा हम यहाँ की ठंड ना भूल गए थे, पता नहीं था इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, पर ये तो है यहाँ के, तो मतलब पानी में ना ठंडे पानी में आप हाथ दे ही नहीं सकते हो, इतना ठंडा पानी होता है। और देखिए मम्मी ने कितने सारे जो कपड़े हैं वो धुले हुए हैं, कुछ चारपाई पे और कुछ इधर उधर भी डाल दिए हैं। दिन बहुत छोटा होता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर गुन्नू को एक रखता है तो काम चलता है, तो मम्मी ने इसी वजह से अभी सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं।
तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातचीत करके वीडियो का एंड कर देती हूँ। और बाल ना सूख गए, पर तेल लग गया था ना गिल्ले बालों में, तो फिर भी ऐसे लग रहे जैसे गिल्ले गिल्ले से हो रहे हो। तो चलो जी, अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो का एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।